यहाँ पे जैसा कि अभी आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें हनीफ भाई ने रखी थी कि वक्फ की जो जायदाद है आंध्र और तेलंगाना में, कल मेरी बैठक हुई थी हज हाउस में हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ के साथ, क्योंकि आंध्र और तेलंगाना के अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन बने नहीं हैं, फिलहाल अलग अलग बनी है रियासतें। तो उनसे मेरी कल बात हुई और उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे दी हैं, कुछ डाटा मुझे उन्होंने दिया है कि हम वक्फ काउंसिल बना सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं। तो आपको सुन के खुशी होगी कि 18 मार्च को हमारी एक और बैठक हुई थी दिल्ली में नजमा हिब्दुल्ला जी के साथ, तो उसमें इन चीज़ों को हमने उनसे सामने रखा कि मैं थोड़ा बेबाक बोलती हूँ, मैंने कहा मैडम आपने हमको सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर तो बना दिया, हमारे हाथ में आपने बंदूक दे दी मगर हाथ बंधे हुए हैं, वक्फ बोर्ड के जो स्टेट के चेयरमैन हैं या सीईओ हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट तो नहीं कर सकते। अब कितनी बार हनीफ भाई जा चुके हैं तो काम नहीं होता, हमने उनसे ये कहा कि कोई ऐसा अमेंडमेंट लाइए कि जिससे हम वक्फ की प्रॉपर्टी को बचा सकें, क्योंकि बीजेपी का मुद्दा शुरू से है, जब अटल जी की सरकार आई थी उसी वक्त हमने कहा था कि हम वक्फ की जायदाद को ज़रूर बचाएंगे। सच्चार कमेटी की रिपोर्ट से पता चला था कि सारे मुसलमान गरीब हैं और गरीब बनाने वाला कौन था ये आप लोगों को मालूम है, तो हमने उसी वक्त ये फैसला किया कि हम मुसलमान को भीख नहीं देंगे बल्कि उसका हक देंगे। तो हम इस विषय में बहुत संजीदा हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी जो गैरों के कब्ज़े में है, जो इसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके हाथ से वक्फ की प्रॉपर्टी निकाल के ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वक्फ को बने हुए, सिर्फ उस काउंसिल को बने हुए 2 महीने के अंदर एक मुनवरी बेगम आंध्रा पहुंच रही है फॉरवर्ड, क्योंकि हमारे दिमाग में इन चीज़ों को रखा गया है कि हम मुसलमानों की प्रॉपर्टी, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो नाजायज़ कब्ज़े में नहीं रहने देंगे। और इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने मैं ये वायदा करती हूँ कि हम इस चीज़ को बिल्कुल पार्लियामेंट में, जैसा भाई साहब ने कहा कि एक अमेंडमेंट पास करवाएं, हमको जुडिशली पावर चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में कोई केस होता है 12 साल 10 साल केस चलता है और फैसला वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमारी पार्टी का तो ये मुद्दा है, हम ठोस हैं इस चीज़ में कि मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी पे किसी का भी गैर जायजाना हम लोग कोई हक नहीं रहने देंगे, और मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमान की और मुसलमान को मिल के रहेगी।